नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के संसद भवन कैपिटल हिल में हुए दंगों के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते दिख रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस समिति की पहली सुनवाई में कैपिटल हिल पर हमले को ट्रंप समर्थकों द्वारा एक सोची समझी साजिश करार दिया गया है। इस बीच एक सर्वे में अमेरिका की लगभग आधी आबादी ने भी ट्रंप को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार माना है। एक चतुर कूटनीतिक कदम उठाते हुए भारत ने हाल ही में ब्रिक्स प्लस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रवेश को रोकने के लिए चीन के साथ मिलकर काम किया। यह सब तब हुआ जब ब्रिक्स मेजबान के रूप में चीन ने कथित तौर पर भारत के लिए सहमति व्यक्त की। फिर भारत ने ब्रिक्स आउटरीच कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रवेश को रोक दिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारत के इस कदम को रूस द्वारा भी सहमति मिली थी। रूस यूक्रेन जंग का आज 127वां दिन है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण शहर मीकोलाइव में बुधवार सुबह एक बिल्डिंग पर हमले किए। हमले में दो यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई और तीन घायल हुए। यहां के गवर्नर बिटाली किम ने कहा, अभी ये स्पष्ट नहीं है ये हमला बम या मिसाइल से हुआ। इस हमले को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पुतिन को आतंकी बताया है। अब बात करेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। वैसे तो मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए देश दुनिया में खूब मशहूर है, लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर की चर्चा लीची के साथ साथ यहां उगने वाली शुगर फ्री आम की वजह से भी खूब हो रही है। दरअसल गर्मी के मौसम में आम खाना हर कोई पसंद करता है। फलों का राजा कहे जाने वाले आम की एक से बढ़कर एक किस्म बाजार में उपलब्ध है, लेकिन आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों को इसको खाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब बिहार के एक किसान की बदौलत शुगर के मरीज भी आम का लुत्फ उठा पाएंगे। महाराष्ट्र में बुधवार को दिन भर चले राजनीतिक खींचतान के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से और विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने गुरुवार सुबह सभी राज्य विधायकों को सूचित किया कि राज्यपाल के आदेशों के अनुसार अब फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की पहली देशी mRNA कोविड 19 वैक्सीन जेमकोवैक 19 को पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने बनाया है। उसे 18 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए आपात इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। इस वैक्सीन की एक और खास बात यह है कि जो इसे दूसरी mRNA वैक्सीन से अलग बनाती है, इस वैक्सीन को शून्य तापमान पर रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में मुख्यालय से एक दुष्कर्म का आरोपी पुलिस कस्टडी से भाग गया। हालांकि बाद में आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के युवाओं के लिए भारतीय सेना में जाने का सुनहरा मौका है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत मंडी में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। 28 सितंबर से 9 अक्टूबर 2022 तक मंडी के पड्डल मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। बुधवार को मॉनसून की एंट्री के बाद से ही लगातार बारिश जारी है। चंबा में बारिश से सड़कों पर मलबा आने से भरमौर, पठानकोट हाईवे समेत 2 दर्जन मार्ग बंद हो गए हैं। साथ ही कई जगह गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने स्टेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 818 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग सचिव का कहना है, कोई भी योग्य उम्मीदवार न मिलने के चलते दोनों पदों को खाली ही रखा गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत बुधवार को घोषित परीक्षा परिणाम 87.5% रहा। हिमाचल पुलिस के उन जवानों को भी अब हायर पे बैंड मिल जाएगा जो वर्ष 2017 के बाद पुलिस में भर्ती हुए हैं। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। राजनीति में बदलाव और बदले का गठजोड़ धीरे धीरे ऐसे हुक्मरान पैदा करने लगा है जो अपने इशारों पर सत्ता का नमक हलाल करवा सकते हैं। इस लेख को आप स्थानांतरण की चिट्ठियां शीर्षक के साथ यहां पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों की शपथ में स्वदेशीपन क्यों नहीं, लेख भी यहां छपा है जिसको लिखा है प्रताप सिंह पटियाल ने। सफलता के दो खास गुर भी आप यहां पढ़ सकते हैं जिसको लिखा है पीके खुराना ने। छिलकों की छाबड़ी में आपको आंकड़ों का गुड़ गोबर पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की।
दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्तर पर आने वाले वक्त के लिए भविष्यवाणियां करते हैं। इनमें से कुछ तो ज्योतिष और अंकों के जरिए कैलकुलेशन करते हैं, तो कुछ खुद को टाइम ट्रेवलर होने का दावा करते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो आने वाले वक्त में ले जाए, लेकिन इन लोगों का दावा होता है कि ये सालों आगे का समय देख सकते हैं। खुद को टाइम ट्रेवलर बताने वाले एक ऐसे ही शख्स ने दावा किया है कि साल 2024 में एक और खतरनाक और रहस्यमय वायरस आएगा और इस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगा। उसने चेताया है, वायरस तीसरी दुनिया के किसी देश से आएगा और फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।